पटना समेत प्रदेश भर में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन आज हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। पटना में मुख्य समारोह का आयोजन गांधी मैदान में किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। अशोक स्तंभ, लौरिया नंदन कर। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की ओर से आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना के कारण गांधी मैदान में आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। झंडोत्तोलन के बाद प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के साथ कोई समझौता नहीं करने वाली है। एक चीज पर नजर रखते हैं, ध्यान रखते हैं और ये काम तो करते ही विधि व्यवस्था की हालत, और फिर जरा समझ लीजिए कि कितना ज्यादा हम लोगों ने विकास किया है, आधारभूत संरचना का काम किया, सड़क का, पुल पुलिया का, सब का काम कितना किया, सरकारी भवनों का काम। विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भी आज